ये खाना स्पेशल यहाँ का, जिसमें आलू पराठा है। तो जय श्री राम, जय गौ माता। हम आपके चाहते ट्विंस ब्लॉगर सिरोही, एक नए ब्लॉग। ये रास्ता जा रहा है सिरोही की ओर, और बीच में एक मोड़ है, थोड़ा कट करा हुआ रोड है, वहां से हम जाएंगे होटल की तरफ। तो आप आगे बने रहे। आज हम आए हैं हमारे वीरवाड़ा और सादवाड़ा के बीच में एक रेस्टोरेंट खुला है, जो कि पेट्रोल पंप के जस्ट सामने है। तो जैसे कि वो सामने दिख रहा है पेट्रोल पंप, और ये है वो रेस्टोरेंट होटल मावंतर। और यहाँ पे काठियावाड़ी, राजस्थानी और गुजराती थाली अवेलेबल है, और यहाँ पे 24 घंटे सेवा अवेलेबल। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि सिरोही और पिनवाड़ा रोड पे कोई गुजराती ढाबा नहीं है। गुजराती ढाबा हुआ है स्टार्ट, तो हमें भी अच्छा लगा सुन के कि खाना मिलता है, अवेलेबल है। स्पेशल काठियावाड़ी जो गुजरात का जो फेमस खाना है, काठियावाड़ी जो हमें खाने को मिलेगा हमारे गांव के आसपास ही। तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करें आप, और काठियावाड़ी खाने का जरूर टेस्ट ले। आप भी आके यहाँ टेस्ट जरूर करें, तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, हमारे बजट के हिसाब से खाना मिलता है यहाँ पे। तो प्लीज एक बार यहाँ के विजिट करें और इस खाने का टेस्ट करें। नया ओपन हुआ है, तो आप गाँव वासियों से और इस रोड पे जो भी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज एक बार आके विजिट करें और सपोर्ट करें। हमें भी यहाँ बुलाया गया कि इनकी एड वगैरह दे, जैसे कि आसपास लोगों को पता चले कि यहाँ पे भी ये होटल अवेलेबल है, गुजराती खाना खाने को मिलेगा हमें, जैसे कि काठियावाड़ी है, थाली है, राजस्थानी है, पंजाबी है। जय श्री राम। हम दोनों भाई एक होटल का आज करें रिव्यू, तो आगे आप बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारा वीडियो देखेगा प्लीज यहाँ पे विजिट करें और यहाँ का खाने का टेस्ट लें। तो एक बार आप जरूर विजिट करें, रूम के जस्ट सामने ही है। तो चलो गाइस, आपको खाने का टेस्ट बताते हैं, गुजराती और काठियावाड़ी, राजस्थानी और पंजाबी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हॉल है जिसमें 60-70 की सीटिंग है। यहाँ पे स्पेशल डाइनिंग ही हॉल है, बाहर स्पेस अच्छा है, और डाइनिंग हॉल है पूरा। डाइनिंग में देसी स्टाइल भी है जैसे आप देख रहे हो, जैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेन्यू इस होटल का। तो इस होटल का नाम है मावंतर, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये खाना स्पेशल यहाँ का, जिसमें आलू पराठा है इस होटल की स्पेशल माल, मतलब इस होटल की स्पेशल सब्जी है, पापड़, मसाला पापड़ है, ये रोस्टेड खींचे हैं, सेव टमाटर, राइस, और जो फिक्स थाली है, पंजाबी थाली है ना, ये पंजाबी थाली है। तो जैसे देखो, और ये दाल तड़का है, विजिट करें। और शायद आसपास ऐसा खाना तो नहीं है, हम भी वीडियो काफ़ी बार बनाया है, लेकिन ऐसा खाना तो हम भी पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करें और यहाँ सेवा जरूर दें। कैसा लग रहा है आपको खाना देख के? बहुत शानदार है यहाँ का डिश की व्यवस्था एक नंबर की है, और आप देख सकते हो खाना अनेक तरह का खाना है। और ये एक आप देख सकते हो, नई स्टार्ट करिए, इसमें इतने तरह की वैरायटी है खाने की, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा ये आके। और हमारे वीडियो देख के आप भी जरूर बता रहे हैं, और यहाँ का स्पेशल पराठा है बटर वाला। तो भैया आप बताओ, खाना तो बहुत लाजवाब है, उसको देख के हमें भूख लगी है, तो आप बताओ कि इसमें क्या क्या स्पेशल है? ये अपना मावंतर स्पेशल है पूरा। इसमें क्या क्या आता है? पनीर का पालक के साथ, और पनीर का और पनीर टिक्का मसाला, अलग ही डिश है वो, टमाटर भी फेमस है। आपको देखा होगा मोस्टली देखे आलू पराठा के साथ सिर्फ दही मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल है लहसुन की चटनी, और उसके साथ बटर भी है। तो हमारा तो यही मानना है कि एक बार आप जरूर विजिट करें। और देखो यहाँ पे जो मतलब स्टाफ बहुत ही अच्छा है, और ये उनके ओनर है, उनका भी बहुत अच्छा है, और स्टाफ भी एक सपोर्टिंग स्टाफ है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके सपोर्ट करें और टेस्ट जरूर लें। ठीक भाई, खाने के बाद रिव्यू देना कैसा लगेगा। तो भैया ये कौन सी थाली है? पंजाबी थाली।
इसमें ये कौन सी सब्जी है? पनीर। ये इसे टमाटर और पनीर मटर पनीर। ठीक है, ये चावल और दाल और रोटी। ठीक है, आलू परोठा दही और अचार। अचार ठीक है। और आप इसमें बटर कौन सा यूज करते हो? अमूल। अमूल का करो। ठीक, ये स्पेशल डिश है। क्या नाम है इसका? पनीर का पालक का मिक्स है। ये सलाद है। और ये कौन सी डिश है? ये शाही पनीर का है। शाही पनीर। तो कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? यहाँ पे सब बहुत ही अच्छा लगा हमें। और खाने की तो बात करता हूँ, इसके पहले यहाँ का जो स्टाफ है उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है। उन्होंने बहुत ही एक अपने घर जैसे जो मेहमान आते हैं उसके हिसाब से अपने को ट्रीट करके खिलाया है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और फिर खाने पे आते हैं तो यहाँ की स्पेशल सब्जी है आवतर, जिसमें पनीर टिक्का और पालक पनीर का एक कॉम्बो बना के अच्छा डेकोरेशन करके हमें उन्होंने खिलाया, तो वो स्पेशल सब्जी है। उसकी प्राइस 146 ही है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, तो एक बार आप जरूर वो खाए। तो उसका सबसे पहला टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ आस पास जो होटल है उससे तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे पर हम आते हैं, उनका एक मसाला पापड़ आता है जिसमें प्याज टमाटर और वो पूरा मिक्स आता है। फिर उसके बाद यहाँ की दाल तड़का, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी और बहुत, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी देख रहा हूँ बहुत ही भरी हुई और बहुत ही अच्छी है। फिर अपने चावल टेस्ट किया, राइस बहुत ही अच्छा था। फिर आता है एक, जैसे कि मोस्टली जगह तो क्या होता है कि सेक के देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर तेल में फ्राई करके खिलाते हैं, तो एक बार आप जरूर विजिट करें। साइज बताओ कैसी है? साइज तो आप देखो बहुत बड़ी है। फिर सेव टमाटर वो भी बहुत अच्छी थी। और एक फिक्स थाली है जिसकी प्राइस 140 है, जिसमें दो सब्जी है, राइस है, दाल है और छाछ है, उसके अंदर और साथ में कॉम्बो के साथ एक स्वीट आता है, तो वो भी है। तो हमारा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पे जरूर विजिट करें और खाना आपको बहुत ही बेहतर खाने को मिलेगा, तो एक बार जरूर विजिट। तो जय श्री राम साथियों। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ का खाना टेस्ट इतना अच्छा है। सबसे पहली बात तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ के ओनर और जो अंदर कुक है, खाना इतना शानदार बनाया कि हमारा पेट तो भर गया और भाई का पेट तो फुल हो गया। अच्छा खाना पनीर का था, हमने खा के देखा है और ये हम दिल से बोले इतना अच्छा टेस्ट है। आप आओगे यहाँ पे और ना कोई प्राइस ज़्यादा है, हमारे बजट के हिसाब से ही है। तो यहाँ का खाना का टेस्ट बहुत अच्छा, एक बार आप विजिट करें। हमारे बोलने पे आप ऐसे मत बोलना कि हम वीडियो में बता रहे टेस्ट कैसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमने खुद खा के बताया है। और यहाँ के भैया आप बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और आपने बहुत अच्छा सम्मान दिया हमें। राम राम, राम, राम। क्या नाम है आपका? कर्नो भाई। आप कहाँ से हो? डूंगरपुर से। डूंगरपुर से, तो राजस्थानी हो आप? राजस्थान के। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना देख के और आपका व्यवहार, और बहुत अच्छी तरह से आपने बनाया खाना। तो आप ये बताओ कि इस होटल की सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाई थी आपने? अच्छी डिश मावतर है। ठीक है, उसमें क्या आता है? इसमें एक पनीर टिक्का आएगा, एक वेज आएगा, उसके बाद अलग कलर आएगा। अच्छा अलग कलर है, वो तो हमने खाया, टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद आपने पनीर की सब्जी बनाई है दाल, और हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगा आपका। और सो मच, थैंक यू। तंदूरी है, चपाती है, दोनों चीजें, परोठे है, आलू परोठे सब बनता है। तंदूरी बनाते हो? तंदूरी भी बनती है। क्या प्राइस तंदूरी की? तंदूरी की है वही 12-13 रुपए की, 13 रुपए रोटी का है, 15 बटर का है, और चपाती जो बनती है 10 रुपए शादी का और 13 रुपए बटर का है, आलू परोठा है। तो हम लोगों से यही सजेस्ट करेंगे आप कई बड़ी होटल में जाते हो, इससे अच्छा की आस पास हमारे के आस पास इतना अच्छी होटल बनी है, तो आप एक बार जरूर विजिट करें और भैया के हाथ का खाना खाए आप। तो जैसे कि भैया मतलब इस होटल पे हम आए हैं, तो यहाँ का जो होटल का नाम है वो थोड़ा अलग टाइप का, तो उसका रीजन क्या है, इस नाम का मतलब क्या? मावतर, इस नाम इसलिए, मावतर नाम इसलिए रखा है कि एक तो मेरी माँ मिलनी की वजह से, माँ मिलनी का लोग मावतर के नाम से वो करते हैं। अच्छा। और मावतर का मतलब होता है पूरी जितनी भी सबके माँ है, माता है, कुल देवी है या कोई भी है, सबका एक ही दरबार होता है, इसीलिए उसका नाम मावतर रख लिया कि कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, ना कोई माता जी का, कोई कोई धर्म का कोई नहीं, मेडली माता का फोटो है, तो बड़े फैन है ये इनके, और मतलब उनको मानते हैं, तो हम भी यही दुआ करते हैं कि भगवान आपका ऐसे साथ दे और रेस्टोरेंट अच्छा चले। तो जय श्री राम, जय गो माता। तो फाइनली इस होटल का फूड रिव्यू डन हो चुका है, और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, काठियावाड़ी, गुजराती और राजस्थानी, तो और पंजाबी भी स्पेशल है। तो यहाँ का स्पेशल चीज़ तो ये कि यही है कि यहाँ पे काठियावाड़ी अवेलेबल है, जो अपने सिरे जो पिंडवाड़ा के बीच में कहीं नहीं है रेस्टोरेंट,
तो आपसे यही विनती है कि एक बार जरूर विजिट करें और इस फूड का जरूर आनंद लें। और यहाँ से जो पिंदवाड़ा सिरोही से रास्ता और ये पिंदवाड़ा जाता है और वीरवाड़ा का पहाड़ है और वीरवाड़ा और सानवाड़ा के जस्ट बीच में ही है और सामने पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ही है। तो ये है होटल मावतर, जरूर विजिट करें, रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अच्छा ही आपको ज़्यादा ही अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नए रिव्यू के साथ। जय श्री राम।